Hello. Good morning, friends. लग रहा है कि पढ़ाई करने के मूड में है करके है? एग्जाम के लिए सीरियसली अगर अभी बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाओगे तो डेफिनेटली आपके पास अभी भी टाइम है और आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो. ठीक है, तो पूरे कंसंट्रेशन से आपको क्लास में ध्यान देने का है, आपस में कोई भी डिस्कशन नहीं करने का, कुछ भी पॉइंट रहा तो मेरे से पूछने का. बराबर है, मैं जब भी टाइम दूंगा उसमें क्वेरी करने के लिए आप पूछो. अपने पास नोटबुक रखो बराबर रेडी, पेन पेंसिल, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपने उतारना चाहिए बराबर. ठीक है, जहां पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन है वहां समझाते जाऊंगा, लेकिन जहां पे कुछ लिखने वाली बात है वहां पर आपने विदाउट फेल पूरा अपने नोटबुक में लिखते जाना चाहिए. और लिखने की स्पीड बढ़ाने का कोई तामझाम नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, हमको कम समय में ज्यादा चीजें कवर करना है. बराबर, तो मैं भी क्विक रहूंगा, आपको भी उतने ही क्विकनेस से काम करने का. समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आपको अभी जो मटेरियल दिया जा रहा है उसमें मई 2019 का क्वेश्चन पेपर है फाउंडेशन का, क्योंकि उसके पहले के जो क्वेश्चन थे दो अटेम्प के वो ऑलरेडी हमने क्लास के मटेरियल में इंक्लूड कर लिया है और वो सॉल्व करा दिया आपको. बराबर, इसलिए सिर्फ मई 2019 वाला अलग से लिया है. और सीए इंस्टीट्यूट की जो आरटीपी रहती है रिवीजन टेस्ट पेपर, तो फाउंडेशन के लिए जो चार आरटीपी अभी तक आई है, क्योंकि तीन एग्जाम हो गई चौथी होने वाली है, तो ये चौथी आरटीपी इसमें आ गई है. तो इसका मतलब चारों आरटीपी के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इसमें कवर किए. ठीक है, इसमें से भी एक हाथ दो क्वेश्चन जब हमको लगेगा कि भाई इसमें खास ज्यादा चीजें सॉल्व करने जैसी नहीं है, मालूम है आपको, तो हम वो सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे और जितना जरूरत होगा उतना सॉल्व करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चन पूरे सॉल्व होंगे. ठीक है, तो अपन सीक्वेंस में चलेंगे. सबसे पहले अपन अपनी बेसिक अकाउंटिंग की बात थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके बाद बेसिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अब ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है बेसिक, उसमें तो सभी चीजें आ सकती है. ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में सभी चीजें, कोई भी चैप्टर का रह सकता है, तो उसको भी अपन शुरू में ही देख लेंगे. ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन वो एक आपके लिए न्यू चीज हो जाती है. क्लास में पढ़ते समय हमने कभी आपसे ट्रू फॉल्स की बात नहीं की. अभी आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें एक क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स वाला पूछते हैं. बराबर, बोलिए फटाफट बोलिए. जून जुलाई बैच, चलो नहीं ये नोट्स के पैसे नहीं लेंगे. जून जुलाई बैच, हाँ आपको मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. ये जो था, देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था एक महीने पहले से कि अपना कोर्स थोड़ा जल्दी होगा तो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा करके. बराबर, इसलिए मैंने ऑफिस वालों को बोला कि भी अकाउंट का जो रिवीजन है वो फ्री रहेगा. ठीक, लेकिन जो बाकी के है ये वन डे सीरीज होती है, एक सेपरेट प्रोग्राम रहता है कैप्स का कि वन डे रिविजन टेस्ट. तो इसलिए आपको जो फीस की बात हो रही है वो जो बाकी के वन डे रिविजन का रहेगा उसकी फीस है, आपसे ये नोट्स का कोई चार्जेस नहीं है. समझ रहे, तो ये आपको अकाउंट्स का रिविजन मैंने बोला था फ्री, क्योंकि मैंने उसमें आपको क्लास के समय बोला था मैं सेपरेटली अलग से वो वन डे वाला फुल प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, वो मेरा यही है, इसलिए मैंने उसको ये कर दिया. बाकी के जो रहेंगे वो सेपरेटली आपके लिए वन डे रिविजन वाला प्रोग्राम बनाते हैं और उसका नॉमिनल चार्जेस रहता है. समझ में आ गई बात, क्यों उसका है? कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करो. सो अपन स्टार्ट करते हैं विद बेसिक अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में सबसे पहले हमेशा हर चीज पढ़ते समय क्या ध्यान देने का, एंटिटी, एंटिटी के
ट्रांजेक्शन यानी लेन देन गिव एंड टेक जिनको अपन मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। एक तरफ ये एंटिटी है जिसकी आप अकाउंट बुक लिख रहे हैं, वो एंटिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंसर्न हो सकता है, बराबर है, कंपनी कोई भी हो, तो इसका कोई ना कोई ओनर भी रहता है। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से इंटरप्रेट करो, ओनर के एंगल से नहीं। अब इसके ट्रांजेक्शन यानी किसी और के साथ, ये कोई और पर्सन है जिसके साथ आप लेन देन कर रहे हैं, काय का लेन देन कर रहे हैं, ऐसी चीजों का लेन देन कर रहे हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कैश, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी फिक्स एसेट के नेचर के, बराबर, जिनको आप लंबे समय तक यूज करते हो, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, ऐसी चीजें, गुड्स, वो आइटम जिनको खरीदना और बेचना आपका कारोबार है, बिजनेस है, सर्विसेज, अभी बैठ करके आप कैब से सर्विसेज रिसीव कर रहे हो, तो बिजनेस में भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है, बेनिफिट्स, किसी के कोई प्रॉपर्टी, किसी का पैसा यानी किसी के रिसोर्सेस को अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कि आपको उससे बेनिफिट मिला। जिसकी कीमत आप जब चुकाते हो तो जनरली उसको आप बोलते हो इंटरेस्ट, रेंट, ऐसे नाम से। तो गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट और कंज्यूमेबल टाइप ऑफ थिंग, मतलब ये कोई तो भी चीज है बट ये प्रॉपर्टी के नेचर की चीज नहीं है, ये क्या है, थोड़े से समय में खर्च हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएंगी, उसको अपन बोलते हैं कंज्यूमेबल। बदले में क्या दिया, तो बदले में कैश या प्रॉपर्टी या गुड्स या सर्विसेज या बेनिफिट, इसको अपन बोलते हैं ट्रांजेक्शन। हमेशा ट्रांजेक्शन में ड्यूअल आस्पेक्ट रहता है, डबल एंट्री रहती है। अगर सिर्फ इतना एरो हुआ, सिर्फ इतना, तो एक इफेक्ट इस पे जाता है और एक इफेक्ट इस पे। अगर सिर्फ इतना हुआ तो भी डबल एंट्री होती है, एक इफेक्ट इस पे और एक इफेक्ट इस पे, और अगर दोनों एक साथ हो गए तो अपन इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसके साथ अपना लेन देन खत्म हो गया। तो अगर आप अकाउंटिंग में इसको इन्वॉल्व करोगे तो इसको डेबिट भी करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तो एक ही समय में इक्वल अमाउंट से डेबिट भी करोगे, क्रेडिट भी करोगे तो नील हो जाएगा, तो इसीलिए अपन इसको फिर इग्नोर कर देते हैं। तो अपने लिए दो अकाउंट में एक ये है और एक ये, इसके ऊपर से आपकी बनती है डबल एंट्री। तो ये एक एरो हुआ तो भी डबल एंट्री है, दोनों एरो हुए तो भी डबल एंट्री। इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स अपन बोलते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है कुछ तो भी हुआ जिसका आपके ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट है, जैसे कि आपने गुड्स खरीदे तो उसको आपने बोला था खर्चा, परचेस, लेकिन वो गुड्स बच गए हैं। अब वो गुड्स बच गए तो आपको अकाउंट में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना आपने उसको पहले खर्चा बोल चुके हो तो गलत हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं इवेंट कि स्टॉक की अकाउंटिंग करो, क्योंकि वो किसी के साथ लेन देन नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है, बराबर। सिमिलरली जैसे आपने किसी के फैक्ट्री में आग लग गई, फर्नीचर जल गया, ये क्या कहलाएगा, इवेंट। आपने किसी से इनकम कमाए गुड्स एंड सर्विसेज देके, ये ट्रांजेक्शन है। आपने किसी से गुड्स एंड सर्विसेज लिए, उसका खर्चा आपने पे किया, वो आपका ट्रांजेक्शन है। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है, प्रॉफिट और लॉस, वो एक इवेंट है, वो क्या हो गया आपके लिए, एक इवेंट। हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट दोनों की करते हैं क्योंकि उनका हमारे ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट है। और ये अकाउंटिंग आप दो हिस्से में करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, एंट्री। एंट्री हमेशा डबल एंट्री होती है। अपन अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, अपने को इतनी आदत होना चाहिए डबल एंट्री की। अभी इंटरमीडिएट वालों को पढ़ा रहा था, कंपनी फाइनल अकाउंट चल रहा है उनका, वैसे बहुत सारे चैप्टर हो गए, बराबर हम पढ़ाते पढ़ाते दिखाते उनको कि भी एक इफेक्ट लिया हमने, अब उसका दूसरा इफेक्ट होना चाहिए, सर ने अभी लिया नहीं है, या आपके दिमाग में अगर आया मतलब आप अलर्ट हो, ध्यान हो, पर आपके दिमाग में आया ही नहीं, इसका मतलब आपका डबल एंट्री पे ध्यान है नहीं,
आप खुद जब करोगे एक इफेक्ट लोगे एक छोड़ोगे और फिर बैलेंस शीट होंगी आपकी, ऐसी टैली होने वाली नहीं है। ये इंटरमीडिएट वाला जिनको सब चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है बार बार, तो भी तो इसका मतलब एक हैबिट डेवलप करना पड़ता, आदत डालना पड़ता है। तो उनको बताया कि भाई ये वाला आइटम तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में था क्या? नहीं। फिर इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन है, इसकी डबल एंट्री लेना चाहिए। तो तुम्हारा ध्यान था क्या कि मैंने एक इफेक्ट लिया हूं, दूसरा मैंने बोला ही नहीं, चुप था मैं, बाकी आगे कर रहा था। ये रहता है आपने बिल्कुल अलर्ट रहने का कि हर चीज का, अगर वो अकाउंट है एक अकाउंट का एक ही मतलब होता है क्योंकि उसका सेकेंड इफेक्ट जहां भी जाना था वो ऑलरेडी जा चुका है। क्योंकि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है? एंट्री पे से। और एंट्री कैसी होती है? डबल एंट्री। इसका मतलब किसी भी अकाउंट में आपको डेबिट दिखा तो मतलब इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं गया है, किसी भी अकाउंट में क्रेडिट दिखा मतलब इसका डेबिट भी गया है। लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन है तो आपको उसकी बराबर डबल एंट्री करना है। ये बेसिक का ही तो यूज होता हर जगह। तो ट्रांजेक्शन की हमेशा डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब जितने अमाउंट से आपने डेबिट किया उतने ही अमाउंट से कोई ना कोई दूसरे अकाउंट क्रेडिट भी होंगे, दैट इज डबल एंट्री। एंट्री इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ एंट्री। बुक ऑफ एंट्री कैन बी वन, सिर्फ एक बुक ऑफ एंट्री से भी हो सकता है काम। बुक ऑफ एंट्री कैन बी टू थ्री, बुक ऑफ एंट्री कैन बी टेन, बराबर है। इन सब बुक ऑफ एंट्री को अपन ब्रॉडली तीन टाइप में ग्रुप कर सकते हैं, ब्रॉडली तीन टाइप में ग्रुप कर सकते हैं। एक जर्नल, दूसरा कैश बुक और तीसरा अपन बोलते हैं अदर्स, बराबर। तीन कैटेगरी या तीन टाइप में क्या हिसाब से डिवाइड किया? क्योंकि इन तीनों का लिखने का तरीका अलग है, तीनों का पोस्टिंग करने का तरीका अलग है, लेकिन अकाउंटिंग तीनों में डबल एंट्री होती है, ठीक। कैशबुक के आपके वेरिएशन हो सकते हैं, सिंगल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक, ट्रिपल कॉलम कैशबुक, फोर कॉलम कैशबुक, फाइव कॉलम कैशबुक, पेटी कैशबुक। तब किसी बोलेगा सर फोर कॉलम फाइव कॉलम थोड़े होते हैं, अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं जो भी बोलता हूं सही है। अब सुन लो कि भाई आपने तीन कॉलम पढ़ा, कैश, बैंक और डिस्काउंट। मुझे बताइए कि आपका एक ही बैंक में अकाउंट रहे ऐसा जरूरी है क्या? यू कैन हैव इन टू बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक, बराबर। अब बताइए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में भी अकाउंट है, तो आप अपनी कैशबुक में बैंक कॉलम एक बनाओगे कि दो बनेंगे? दो, क्योंकि दो अलग अलग पार्टियां हैं, बराबर। वरना पता चला एक ही बनाया, स्टेट बैंक का चेक किसी पार्टी को दिया, वो हो गया बाउंस, फिर अपन ने स्टेट बैंक के मैनेजर को फोन लगाने का कि भाई ऐसे कैसे चेक तुमने वापस कर दिया? बोलेगा सर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। नहीं नहीं है, हमारे पास तो बैलेंस दिख रहा है हमारा। बोलेंगे दो बैंक अकाउंट है, एक तुम्हारे पास यानी स्टेट बैंक और एक इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों मिला के बैलेंस है। इसलिए हम ये जो अकाउंटिंग करते हैं वो यूजफुल होना चाहिए। तो एक नेचर की, एक पर्सन की, एक चीज की इंफॉर्मेशन को एक जगह लिख के रखते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक अकाउंट। एक पर्सन की, स्टेट बैंक अलग हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक अलग हो गया, तो आपको कैशबुक में दो बैंक के कॉलम बनाना पड़ेगा, तो टोटल कॉलम कितने हो गए? चार, फोर कॉलम कैशबुक हो गए। तीन बैंक अकाउंट होंगे तो तीन बैंक कॉलम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब वो लिमिट नहीं है आपके लिए, वो आपको समझा दिया गया सिस्टम। रियल लाइफ में जरूरत के हिसाब से ये सिस्टम्स में मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं होती। तो जर्नल का लिखने का तरीका, कैशबुक का लिखने का तरीका और पोस्टिंग का तरीका, और अदर्स। अदर्स में आपकी सेल बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स बुक, ऐसी कितनी भी बुक आप बना सकते हो। तीनों टाइप की बुक का लिखने का तरीका, पोस्टिंग करने का तरीका हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो हमको हर जगह बराबर ध्यान में। एंट्री लिखने से न डेबिट हुआ न क्रेडिट हुआ। एंट्री लिख करके आपने सिर्फ डिसाइड किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है,
एक्सेप्ट कैश बुक, क्योंकि कैश बुक जो है वो डबल काम करती है। कैश बुक आपके लिए बुक ऑफ एंट्री का भी काम करती है और कैश बुक आपके लिए लेजर अकाउंट का भी काम करती है। पर कौन सा अकाउंट है कैश बुक में? सिर्फ कैश और बैंक। तो इसलिए जब आप कैश बुक के रिसिप्ट वाला साइड बोलो, डेबिट वाला साइड बोलो, उसमें लिखते हो, तो इसका मतलब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, आपको सिर्फ क्रेडिट की पोस्टिंग करना बाकी। आपने कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर लिखा, पेमेंट साइड, इसका मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, आपको सिर्फ अभी क्या करना है, डेबिट की पोस्टिंग बाकी है। लेकिन जब आपने जर्नल में लिखा तो ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट, दोनों पोस्टिंग करना है। आपने सेल बुक में लिखा तो ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट, आपको दोनों पोस्टिंग करना है, पर पोस्टिंग का तरीका अलग अलग है। जर्नल में आप वन बाय वन ये डेबिट ये क्रेडिट दोनों की एक एक करके पोस्टिंग करते हो, बट सेल बुक में आप लाइन से एंट्री लिखते चले जाते हो, ए को बेचा, एक्स को बेचा, वाई को बेचा, जेड को बेचा। अब इसकी डेबिट पोस्टिंग पार्टियों में आप अलग अलग करते हो, लेकिन सेल्स अकाउंट की जो क्रेडिट करना है वो आप मंथ एंड का टोटल लगा के एक पोस्टिंग करते हो, बराबर। उससे आपका टाइम भी बच जाता है, मेहनत बच जाती है, बराबर। तो इसलिए ये तीनों टाइप की बुक ऑफ एंट्री को लिखना अलग अलग है, पोस्टिंग अलग अलग है, लेकिन सब में क्या है, डबल एंट्री। और डबल एंट्री कौन सी बुक में लिख रहा है उस पर डिपेंड नहीं होती, उससे बदलती नहीं। डबल एंट्री बनती है ये ट्रांजैक्शन के नेचर पे, इवेंट के इफेक्ट पे, उसके ऊपर से डबल एंट्री बनती है। अब एंट्री लिख दिया तो उससे पूरी बात हुई नहीं, क्योंकि हमने आपको बोला कि एंट्री लिखने से सिर्फ आपने डिसाइड किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, डेबिट हुआ नहीं, क्रेडिट हुआ नहीं, एक्सेप्ट कैश बुक, बराबर। तो फिर आप इसकी क्या करते हो, पोस्टिंग। पोस्टिंग आप करते हो अकाउंट्स में, और अकाउंट जिस रजिस्टर में बनते हैं उसको आप बोलते हो लेजर। तो लेजर में आप हर एक की पोस्टिंग करते हो, तब जाके आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, अकाउंट बना तो आपके दिमाग में आना चाहिए किसकी एंट्री कहां हुई होगी, क्या हुई होगी। एंट्री दिख रही है तो बराबर ध्यान में आना चाहिए किसकी पोस्टिंग करेंगे, तब जाके अकाउंटिंग कंप्लीट होगी। ये बिल्कुल हैबिट होना चाहिए, आदत होना चाहिए। ये सिलसिला साल भर चलता रहता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ऐसे चलता रहेगा, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। तो हम इसको 12-12 महीने के पीरियड में ब्रेक करते जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, बराबर। तो ये 12 महीने के पूरे ट्रांजैक्शन की एंट्री पोस्टिंग चलती रहेगी। एंड ऑफ द ईयर में हम ये पूरे अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। डेबिट और क्रेडिट ये मैथमेटिक्स के प्लस और माइनस की तरह है। डेबिट डेबिट पूरे ऐड होते हैं, जैसे प्लस प्लस पूरे ऐड होते हैं। क्रेडिट क्रेडिट भी पूरे ऐड होते हैं, जैसे माइनस माइनस ऐड होते हैं। पर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो जब आप अकाउंट की बैलेंसिंग करोगे तो डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और दोनों का डिफरेंस, तो तीन पॉसिबिलिटी है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए मतलब बैलेंस नील, और जिसमें बैलेंस नील हो गया मतलब वो अकाउंट खत्म हो गया, अब हमारे लिए उसमें से कोई काम की इंफॉर्मेशन बची हुई नहीं है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डेबिट साइड अकाउंट का ज्यादा है, अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है तो उसी को अपन बोलते हैं डेबिट बैलेंस, जितना डिफरेंस होगा, बराबर। डेबिट बैलेंस अपन उसको अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख के दोनों साइड को इक्वल कर देते हैं। लिखा किधर है, क्रेडिट साइड में, लेकिन पढ़ने का क्या है, डेबिट बैलेंस, और याद नहीं करने का कि डेबिट बैलेंस को क्रेडिट में लिखते हैं। पूरी बात को समझो, मैंने बोला अकाउंट को टैली करने के लिए, तो जब मैं अकाउंट को क्लोज करता हूं तब मैं डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा है उसको क्रेडिट में लिखता हूं, लेकिन जब मैं अगले पीरियड में जाऊंगा तो ये डेबिट बैलेंस डेबिट में ही लिखूंगा। इसका मतलब जब मैं अकाउंट की शुरुआत करूंगा तो डेबिट बैलेंस डेबिट में ही लिखने वाला हूं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, आप कोई चीज को पूरा नहीं ध्यान देते,
फाइनल इफेक्ट क्या वो उतना ध्यान रखते हैं, वो कभी भी गड़बड़ी कराएगा फिर आपसे। अगर तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर आपके अकाउंट का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो जो भी डिफरेंस आया दैट इज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, उसको अपन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख के उसको टैली करते हैं। ठीक है, अब अपने अकाउंट में जितने बैलेंसेस आए, जो नील हो गए उसको अपन इग्नोर कर देंगे, बट जिनमें बैलेंसेस आए अपन उसको एक पेपर पे उतार लेते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। बराबर, उस पर अपन पूरे बैलेंस उतार लेते हैं। अभी ट्रायल बैलेंस यानी क्या है, तो ये आपके अकाउंट के बैलेंसेस की लिस्ट है, डेबिट और क्रेडिट। बराबर, जो भी डेबिट बैलेंस है वो या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो या तो लायबिलिटी होगा या इनकम होगा। फिर कभी कभी आपने देखा कि आप अकाउंटिंग में किसी डेबिट वाले को कम करना है तो आप उस अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते बल्कि एक नया अकाउंट बना लेते हो, तो इसका मतलब वो नया वाला अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बताता है, जबकि वो क्रेडिट बैलेंस ना तो आपकी लायबिलिटी है ना तो आपकी इनकम है। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। बराबर, तो इसका मतलब कॉमनली चार मीनिंग होते हैं। डेबिट बैलेंस होगा तो या तो एसेट या एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो या तो लायबिलिटी या इनकम, लेकिन चार इनके अपोजिट भी हो सकते हैं कि कोई क्रेडिट बैलेंस है पर वो किसी एसेट का रिडक्शन है, कोई क्रेडिट बैलेंस है पर वो किसी एक्सपेंस का रिडक्शन है। परचेस, एक्सपेंस बोलते हो आप, माल वापस कर दिया तो परचेस को ही कैंसिल करना चाहिए, लेकिन आप एक नया अकाउंट बनाते हो क्योंकि आपको उसकी इंफॉर्मेशन अलग से चाहिए। वो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बताता है, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई इनकम भी नहीं है, वो क्या है, आपके एक्सपेंस का रिडक्शन। सिमिलरली जो भी डेबिट बैलेंस है कॉमनली तो वो एसेट और एक्सपेंस रहते हैं, पर कोई कोई डेबिट बैलेंस किसी लायबिलिटी का रिडक्शन, ओनर ने बिजनेस के लिए पैसा लाया, कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस बोलता है, लायबिलिटी वाले ग्रुप में चला गया। अब उसी ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, गुड्स निकाला, तो आप ड्रॉइंग अकाउंट नाम से डेबिट कर देते हो, वो भी उसी का है लेकिन अलग अकाउंट है। तो ड्रॉइंग अकाउंट जो डेबिट बैलेंस बता रहा, ना तो वो हमारा कोई अलग से एसेट है ना कोई खर्चा है, बल्कि हमको क्या करना, उसके कैपिटल में से उसको एडजस्ट करना है। सेल्स, सेल्स रिटर्न, तो ये टोटल आठ पॉसिबिलिटी हो गई। बराबर, और ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा अगर आपने अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ी गलती नहीं किए होंगे तो। और टैली होना में आश्चर्य नहीं है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, टैली नहीं हुआ तो आश्चर्य करना चाहिए, समझ रहे, अपना उल्टा रहता है। बैलेंस शीट टैली हो गई तो बड़े खुश होते, आश्चर्य करते, अरे बैलेंस शीट टैली होना तो रूटीन है, नॉर्मल है, देयर इज नथिंग ग्रेट इन इट, बैलेंस शीट तो टैली होना ही चाहिए, तो आपको उसकी तो आदत पड़ जाना चाहिए कि मेरी बैलेंस शीट तो बिल्कुल टैली हो। एकाधे बार जल्दी में ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई, अलग बात है, बट इट शुड नॉट बी ए रेगुलर फीचर कि बैलेंस शीट तो टैली होती नहीं है। इसलिए क्या नॉर्मल है कि बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। तो बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो फिर आश्चर्य होना चाहिए, अरे यार क्या हो गया, फिर आज बैलेंस शीट क्यों नहीं टैली हुई, ये होना चाहिए, अपना उल्टा रहता है। बैलेंस शीट टैली हो गई तो फिर सबको बताने का, देख मेरी तो टैली हो गई बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट टैली करना रूटीन मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म है। अगर आप डेबिट क्रेडिट पे ध्यान दोगे, आप अगर अकाउंट ट्रांजेक्शन इसके डिस्टिंक्शन पे ध्यान दोगे तो आपको बैलेंस शीट टैली करने की कभी भी तकलीफ नहीं जाएंगे, और ये बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखना। अगर आप बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाते हो एक बार में तो आपको आगे की पढ़ाई बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि आगे की पढ़ाई में अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको बैलेंस शीट टैली करना है। ये रेडी ट्रायल बैलेंस दिया, डेबिट और क्रेडिट और इसपे से फाइनल अकाउंट, ये सबसे मतलब आसान काम है, समझे। इसलिए इसमें ही अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो फिर तो बहुत गड़बड़ है,
क्योंकि बाद में तो आपको और हाई लेवल की पढ़ाई करना है, तो इसलिए उसको सुधारो, ध्यान दो, प्लस माइनस के ऊपर जाओ मत। आपकी तकलीफ जाने का सबसे बड़ा कारण है प्लस माइनस, चीजों को याद रख लेते हो, नाम से जाते हो। नाम इंपॉर्टेंट है, बट नाम बहुत बार सेम नाम एक से ज्यादा मीनिंग दे सकता है। लोन अपन को बोल रहा तो फटाक से बोलते लायबिलिटी, अरे भैया मैंने तो लोन दिया है, कैसे मेरी लायबिलिटी हो गई है? तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि भाई लोन दिया कि लोन लिया, डेबिट बैलेंस दिख रहा है कि क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ऐसे अलर्ट रहो। अब इस ट्रायल बैलेंस में अगर अपन ने कोई चीज जो इस ईयर से रिलेटेड है पर अभी तक अकाउंट नहीं की, या कोई गलतियां हैं, एरर है जिसको अपन ने अभी तक नहीं सुधारा और ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो उसी को आपको एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम से दे देते हैं, बराबर। अब एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला तो इट इज नथिंग बट ट्रांजेक्शन है। क्या है वो? ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन है तो उसकी क्या चाहिए? डबल एंट्री चाहिए, बराबर। तो आपके ट्रायल बैलेंस में जो भी है ये सब एक एक अकाउंट है, एक एक बैलेंस एक एक अकाउंट है, हर एक का एक ही मतलब है, इनकम एक्सपेंस या एसेट लायबिलिटी या उसका रिडक्शन। पर ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें दो अकाउंट है, एक अकाउंट को करना है डेबिट और दूसरे अकाउंट को करना है क्रेडिट, ये हैबिट होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अभी देखो आपको ऐसा ट्रायल बैलेंस मिलेगा, अभी इंटरवालों से प्रॉब्लम करा रहा था, उनको बताया कि उनके इसमें लाइन से ऐसे आइटम दिए थे क्वेश्चन में, इधर दिए इधर भी दिए, इधर से पढ़ते हुए आया, जैसे इधर पहुंचा मैं बोला ध्यान दिए ना ये डेबिट क्रेडिट में क्लासिफाइड नहीं है, समझ रहे, क्योंकि आपको लगता है इधर और इधर दिया मतलब डेबिट क्रेडिट, लेकिन उसने दिया ही नहीं था। जैसे आप आइटम पढ़ो आपको दिख रहा है यार ये इधर भी तो क्रेडिट वाले आइटम दिख रहा है, इधर भी डेबिट वाले दिख रहे हैं, इसका मतलब ये डेबिट क्रेडिट में क्लासिफाइड नहीं है। अब डेबिट क्रेडिट में क्लासिफाइड नहीं है इसलिए कोई टोटल वोटल नहीं किया, फिर उसके नीचे लिख दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और उसके नीचे उसने दिया स्टॉक, ओपनिंग डेट का भी और क्लोजिंग डेट का भी। अब मुझे बताइए कि ओपनिंग स्टॉक आपका कोई इस ईयर का ट्रांजेक्शन रहता क्या? ये तो पिछले साल का बैलेंस है, इसका मतलब वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, लेकिन उसने लिखा कहां पे? नीचे लिखा है, कहां लिखा है? नीचे। अगर वो ट्रायल बैलेंस को टैली करता तो उसको ऊपर लेना ही पड़ता था, बगैर उसके ट्रायल बैलेंस टैली होता नहीं, लेकिन उसने ट्रायल बैलेंस टैली करके दिया ही नहीं, उसने तो लाइन से फिगर डाल दिया है। अलर्टनेस ज्यादा चाहिए, समझ रहे। तो अभी आपको भले ही वैसा नहीं पूछेगा लेकिन इंटरमीडिएट में पूछेगा ही। आपको सीए बनना है कि सीए फाउंडेशन ही करना है सिर्फ? फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखो, नहीं तो कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो सिर्फ सीए फाउंडेशन पास करना है, उसके बाद की पढ़ाई नहीं करना, क्योंकि सीए फाउंडेशन सिर्फ करके कुछ नहीं मिलने वाला, बराबर है। अपने को बनना है सीए तो अपन ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मदद से आप बनाते हो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बेसिकली दो स्टेटमेंट, आपके लेवल में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो, बट हायर लेवल में जब पढ़ोगे तो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोला जाएगा, ठीक है, और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस टैलीड रहेगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट भी टैली होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो इसका मतलब है पक्का है कि इसमें गलतियां हैं, आप रेक्टिफिकेशन चैप्टर में अपन उसकी बात करेंगे आगे, ठीक है, उनको सुधारो। अब ट्रायल बैलेंस की मदद से आपने और ये एडजस्टमेंट की मदद से फाइनल अकाउंट बना लिया। अब ये जो बैलेंसेस आपकी बैलेंस शीट में बचे है, बैलेंस शीट यानी बैलेंसेस की शीट, उसमें जो भी बैलेंस बचे हो सबसे पहले नेक्स्ट ईयर की बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो, सबसे पहले आप उसको नेक्स्ट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड करते हो एज ओपनिंग बैलेंस। इस ईयर से इस ईयर में आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद फिर आप जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनकी अकाउंटिंग करोगे, फिर से पोस्टिंग करोगे, फिर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर से
फाइनल अकाउंट बनेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये बेसिक प्रोसीजर हमारी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डबल एंट्री बनाने के आपको चार तरीके बताए थे, रियल पर्सनल नॉमिनल वाला तरीका। यहीं से आप देखोगे ये एरो पे, ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। गुड्स अकाउंट को रियल अकाउंट बोलते हैं, लेकिन गुड्स अकाउंट की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बोलते हैं परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और परचेस अकाउंट सेल्स अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, एक्सपेंस और इनकम मानते हैं, बराबर। तो ये आपके रियल अकाउंट, ये आपके नॉमिनल अकाउंट, ये आपके पर्सनल अकाउंट। इसी एरो पे से डबल एंट्री बनती है। कोई भी रियल चीज अगर आपके पास आती है, इट कम्स इन, तो इसका अकाउंट डेबिट करो। कोई भी रियल चीज आपके पास से जाती है, इट गोज आउट, इसके अकाउंट को क्रेडिट करो। कोई भी नॉमिनल अकाउंट, जब आप किसी से गुड्स सर्विसेज बेनिफिट लेते हो तो आपको इसकी कीमत चुकाना पड़ता है, ऐसा अपने दिमाग में पूरी आइडिया बनना चाहिए। तो ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस अकाउंट शुड बी डेबिटेड। जब भी हम किसी को गुड्स सर्विसेज बेनिफिट देते हैं तो हमको उसकी कीमत मिलती है, ये हमारी कमाई है, हमारी इनकम है, एंड इनकम का अकाउंट क्रेडिट करने का। कोई भी पर्सन जब रिसीवर है, ऊपर के एरो में देख लो, आपने उसको कुछ तो भी दिया, मतलब वो पर्सन क्या हो गया, रिसीवर, रिसीवर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। जब भी कोई पर्सन आपको कुछ देता है, नीचे का एरो, तो वो पर्सन क्या है, गिवर, गिवर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, बराबर, उसको क्रेडिट करो। ये हो गए आपका डबल एंट्री बाय रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अब यही अकाउंट, सेम अकाउंट जिनको आपने रियल पर्सनल नॉमिनल बोला, इन्हीं अकाउंट को अपन एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम में भी क्लासिफाई करते हैं, बराबर। यही अकाउंट दूसरा वाला क्लासिफिकेशन डबल एंट्री बनाने में भी मदद करेगा और फाइनल अकाउंट में भी मदद करेगा, किसी भी जगह मीनिंग निकालने में भी मदद करेगा। पहला वाला जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ डबल एंट्री फॉर्म करने का लिए काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। बैलेंस शीट बनाते समय यह देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, यह देखना पड़ता है कि इनकम एक्सपेंस है या एसेट लायबिलिटी। इसका मतलब सेकेंड क्लासिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसको ज्यादा डेवलप करो, बराबर। अब ये जो कैश प्रॉपर्टी है, इनको हम बोलेंगे कि ये हमारे एसेट है, बराबर, ये हमारे कैश प्रॉपर्टी एसेट। ऊपर के एरो में कैश और प्रॉपर्टी आपके पास से जा रही है तो उसको मैं ऐसा माइनस एसेट बोल सकता हूं, बराबर, मेरे एसेट रिड्यूस हो जाएंगे। गुड्स सर्विसेज बेनिफिट जब मैंने लिया तो उसको अपन बोलते हैं एक्सपेंस। गुड्स सर्विसेज बेनिफिट अगर मैंने किसी को दिया तो उसको अपन बोलते हैं इनकम, मेरी कमाई है, बराबर। कोई भी पर्सन ऊपर के एरो में देखो, पहला एरो ऊपर का, मैंने उसको कुछ तो भी दिया, लेन देन, गिव एंड टेक, कमर्शियल दुनिया में लेन देन का जमाना होता है। अगर मैंने उसको कुछ दिया, मतलब मेरे को उससे अब बदले में कुछ तो भी लेने का हक है। तो जब आपको किसी से कुछ लेने का हक है तो वो भी आपके लिए क्या कहलाता है, एसेट। इसका मतलब एसेट दो टाइप के हो गए, कोई तो भी वैल्यूएबल चीज या किसी से कुछ लेने का हक, दो टाइप के एसेट हो गए, ठीक है। नीचे का एरो देखोगे, उस पर्सन ने मुझे कुछ तो भी दिया, अब उस पर्सन ने मझे कुछ तो भी दिया, दैट इज नाउ आई एम लायबल टू गिव हिम समथिंग, पे हिम समथिंग, बराबर। तो इसका मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। तो देखो वही अकाउंट है जिनको आपने रियल पर्सन नॉमिनल बोला था, अब उन्हीं को अपन ने एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम बोला। कोई भी एसेट डेबिट बैलेंस बताएगा, बराबर,
तो आप ट्रांजेक्शन को पढ़ के देखो कि वो एसेट बढ़ रहा कि वो एसेट घट रहा। एसेट में डेबिट है और डेबिट में डेबिट करोगे तो ऐड होगा यानी बढ़ेगा। एसेट में डेबिट है अगर आप क्रेडिट करोगे तो उसमें से माइनस हो जाएगा यानी एसेट घटेगा। तो आप समझ के डबल एंट्री बना सकते हो कि मेरा एसेट बढ़ रहा है इसलिए मैं एसेट अकाउंट में करूंगा डेबिट, अगर मेरा एसेट घट रहा है तो मैं एसेट अकाउंट में करूंगा क्रेडिट। यही चीज आप एक्सपेंस में लगाओगे। एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट रहता है, आपको लगता है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से मेरे खर्चे बढ़ेंगे, डेबिट कर डालो। आपको लगता है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से खर्चे को कम करना है, क्रेडिट कर डालो। बराबर। लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज विल हैव क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी में हमेशा क्या आने वाला है, क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के लगा इस ट्रांजेक्शन की वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ना चाहिए तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी में क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड होता जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता नहीं इस ट्रांजेक्शन की वजह से तो मेरी लायबिलिटी कम होना चाहिए क्योंकि मैंने पैसे दे दिया तो मेरी लायबिलिटी तो कम होना चाहिए, तो लायबिलिटी में करो डेबिट, क्योंकि क्रेडिट में डेबिट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यही चीज आप इनकम में लगाओगे। इनकम में क्रेडिट रहता है, बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, घटाना है तो डेबिट करो। तो आप ऐसे एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम से डबल एंट्री बना सकते हो। फिर आपको तीसरा बताया था रिवर्सल या कैंसलेशन। रिवर्सल या कैंसलेशन, कई बार ऐसा होता है कि हमने यहां पे कोई एंट्री लिए, आगे जाके हमको लगता है कि वो किसी भी वजह से वो एंट्री गलत है, मतलब उसको कैंसिल करना है। तो जब भी आपको अकाउंटिंग में कोई चीज को कैंसिल करना है तो ऐसा क्रॉस वाला तरीका नहीं चलता, क्योंकि एक बार आपने एंट्री लिखी है तो पोस्टिंग हो जाती है, तो इसलिए ऐसे काटपीट करने का चलन नहीं रहता है। आपने एक बार एंट्री कर दी और आगे आपको लगता है कि इसको कैंसिल करना है तो सिंपल सा तरीका है कि पहले की एंट्री को रिवर्स कर दो, क्योंकि डेबिट में क्रेडिट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट में डेबिट करोगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, हो गई कैंसलेशन। ये तरीका है कैंसलेशन या रिवर्सल। आपको चेक मिला था पार्टी से, आपने एंट्री पास कर दी बैंक डेबिट पार्टी क्रेडिट, मतलब इसका होता है बैंक में पैसा जमा हो गया, पार्टी ने पैसे दे दिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि चेक मिला है तो क्लियर हो जाएगा। फिर हम बैंक में जमा करते हैं पर मान लो कि दो तीन दिन के बाद पता चला कि चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब अकाउंट में पैसा आया नहीं, यानी आपने जो एंट्री पास किए थे वो तो गलत हो गई। इसलिए उसको क्या करो, रिवर्स करो। पहले आपने बोला था बैंक डेबिट टू पार्टी, अब आप बोलोगे पार्टी डेबिट टू बैंक, दोनों इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। चौथा तरीका ट्रांसफर एंट्री। अकाउंट में कई बार हमको इसकी जरूरत पड़ती है कि एक अकाउंट के बैलेंस को हम किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, कारण कुछ भी हो, गलती हो गई थी इसलिए, या उसका नेचर बदल गया इसलिए, बट आपको कभी भी लगे कि मेरे को इस अकाउंट को ट्रांसफर करना है, आप चाहो तो ये वाले रूल से भी बन जाए आपकी एंट्री इनसे भी। लेकिन उसके लिए एक नया तरीका ये भी है, किसी भी चीज को जब आप बोलते हो कि मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं तो अपने दिमाग में उसकी आइडिया लाओ कि अगर आप उसको ट्रांसफर कर दोगे तो वो चीज वहां से खत्म होना चाहिए। बराबर। तो आप जिस बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते, जिस अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते उसमें डेबिट है कि क्रेडिट है पहले देख लो, अगर डेबिट है तो उसको करो क्रेडिट खत्म, और जहां ट्रांसफर करना है वहां करो डेबिट। तो जैसे मिस्टर ए है, डेबिट बैलेंस बता रहा है मतलब पैसे लेना है, लेकिन अब अपने को लगता है किसी ने पैसे डुबा दिया, अब ये देने वाला नहीं है, तो हम इसको बैड डेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसमें डेबिट बैलेंस है, अगर आप इसको क्रेडिट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, और बैड डेप्ट में डेबिट कर दो मतलब वो बैलेंस कहां चला गया, बैड डेप्ट अकाउंट में। तो आपकी एंट्री बन जाती है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू ए, जो कि आपका एक डेटर था। अगर आपको लगा कि जिस अकाउंट को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं उसमें क्रेडिट बैलेंस है, उसको आपको हटाना है, डेबिट कर डालो,
क्योंकि आप उसको डेबिट करोगे तो खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा। और जहां लेके जाना चाहते हो उस पर सेकेंड इफेक्ट वहां दे दो। फर्नीचर 10,000 का था, 15,000 में बेचा। 10,000 का था यानी डेबिट 10 था, जब बेचा तो 15,000 मिले, कैश बैंक डेबिट करके फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। अब इसमें 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा, फर्नीचर रियल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस रहना चाहिए क्या उसमें? तो फिर ये 5,000 क्या है? प्रॉफिट। तो भी उसको यहां से हटाओ, क्योंकि एक अकाउंट का एक ही मीनिंग होता है, फर्नीचर अकाउंट शुड शो ओनली फर्नीचर। तो अब आपको लग रहा नहीं ये फर्नीचर नहीं है, ये तो प्रॉफिट है, तो यहां से हटाओ। अब फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो फर्नीचर में कर दो डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर में कर दो क्रेडिट। ये ऐसे चार तरीके हैं जिनकी मदद से आप डबल एंट्री बना सकते हो। पहला और दूसरा तरीका ऑलमोस्ट कहीं पे भी फिट बैठता है, पर ये जो बात के दो है ये स्पेसिफिक टाइप के केसेस हो गए। डबल एंट्री बराबर बनाना ये इंपॉर्टेंट है, कौन से तरीके से बनाया ये कोई भी आपसे आगे पूछने वाला नहीं है, समझ रहे? करेक्ट एंट्री बनाना वो इंपॉर्टेंट है। तो ये मेंटल काम है, दिमाग में सोचो और उस पर से डबल एंट्री बना दो। अब अपन एक काम करेंगे, अपने इसमें से जो क्वेश्चन है लेने जैसे वो देखेंगे। तो रिवीजन वाले जो क्वेश्चन है, रिवीजन टेस्ट पेपर में, उस पे पहले आओ। रिवीजन टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन मैं आपको यहां दिखाता भी हूं ताकि आपको यहां से भी नजर आएगा। ये मिल गया आपके, इसमें शुरू में मई का पेपर है, बाद में है, दो चार पन्ने पलटाओगे दिख जाएगा। अब इसमें आपने फटाक से आपकी मटेरियल में ट्रू फॉल्स मार्क करने का एब्रीविएशन बताने की जरूरत है क्या? हाँ तो मालूम है, वो तो पहले मालूम रहता ना। तो आपने फटाक से एब्रीविएशन मार्क करना, कहीं कुछ आपको नयापन लगा तो हम जो एक्सप्लेनेशन दिख रहे हैं वो फटाक से लिख लेने का, बराबर है? तो हम आपको एक्सप्लेनेशन लिखाते नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे जो हमको लगेगा बोलने का, आपको कुछ अलग लगा तो आपने शॉर्ट में वहां लिख लेने का। ये सब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आरटीपी के है, रिविजन टेस्ट पेपर के, ठीक है? आपको लगा तो सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाके आरटीपी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सोल्यूशन भी दिया रहता है, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो है, अक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। द सेल अक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है, इस ईयर के पूरे एक्सपेंस इस ईयर में आना चाहिए, चाहे आपने पेमेंट किया या नहीं किया। इस ईयर की पूरी इनकम इस ईयर में आना चाहिए, चाहे पैसे मिले चाहे नहीं मिले। जबकि कैश सिस्टम में जब पैसे देंगे तो खर्चा बोलेंगे, अकाउंट करेंगे, जब पैसे मिलेंगे तब इनकम बोलेंगे, तो इसलिए वो कैश सिस्टम नहीं है। द सेल बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, फॉल्स। क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ उसमें क्रेडिट सेल। तो आप वहां लिखने का है कि नो, इट रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल। बैंक रिकंसिलेशन इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस, फॉल्स। बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी मालूम रहता है, अपनी बुक का भी और पासबुक का भी। काय के लिए करते हैं? उनको टैली करने के लिए, उनके बीच के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज हायर, फॉल्स। विच एवर इज लोअर होना चाहिए, बराबर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिशिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टूगेदर, ट्रू है। क्या होता है, ध्यान से देख लो क्या बोल रहा हूं, कि आप WDV मेथड जब फॉलो करते हो तो उसमें शुरू में डेप्रिशिएशन ज्यादा रहता, ठीक है, और ये धीरे 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 कम होता है। और किसी भी एसेट को शुरू में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कम लगता है, जैसे जैसे वो एसेट पुराना होता है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है। तो देखिए, डेप्रिशिएशन जब ज्यादा था तो रिपेयर्स कम था, जब डेप्रिशिएशन कम होगा इधर रिपेयर बढ़ता जाएगा, समझ रहे? इसीलिए दोनों को अगर मिलाएंगे तो करीब करीब एक सरी का इफेक्ट
क्रिएट करता है, तो इसलिए वो जो बोल रहा है वो ट्रू है, करेक्ट है. डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉवी. ड्रॉवी यानी पे करने वाला. तो बराबर ध्यान दे के बोलने का. आपने याद कर लिया ड्रॉवी और उसने पूछा ड्रॉवर, हो गया गड़बड़. याद करने में ये प्रॉब्लम रहता है, आपने एक याद रखोगे पूछेगा कुछ और. देख लो, ड्रॉ यानी पे करने वाला, रिटायरमेंट यानी जल्दी पे कर रहा, जल्दी पे कर रहा तो उसको कंसेशन मिल रहा, मतलब यस उसके लिए क्या है, ये गेन है ना गेन. अब ये ड्रॉवर कर दो तो उसके लिए वो एक्सपेंस बोलो, लॉस बोलो. ए विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस. फॉल्स. काय में डेबिट होना चाहिए, ड्रॉइंग में. तो ऐसा लिखने का आपने कि इट शुड बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग. पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट. फॉल्स. क्या करना चाहिए, उन्होंने इक्वल शेयर करना चाहिए. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट्स टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. फॉल्स. रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं बताते. रिसिप्ट और पेमेंट क्या बताते, कितने पैसे आए. उसमें रेवेन्यू नेचर का भी होगा, कैपिटल नेचर का भी. कितने पैसे गए उसमें रेवेन्यू नेचर का भी रहेगा और कैपिटल नेचर का भी. तो बताता है रिसिप्ट एंड पेमेंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट इज ए कैश बुक है समराइज फॉर्म में. आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर चैप्टर पढ़ लिया ना, उसमें था आपका रिसिप्ट पेमेंट वाला कंसेप्ट. डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड. क्या है ये, डिवेंचर लोन है, लाइबिलिटी है, इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट पहले देना पड़ता है, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, फिर जो प्रॉफिट बचा वो आपका. आपका मतलब शेयर होल्डर का, नहीं तो बोलेंगे अकाउंटेंट का. वो प्रॉफिट किसका है, शेयर होल्डर का, और शेयर होल्डर में पहला प्रिफरेंस किसको है, प्रिफरेंस शेयर को. तो इसलिए प्रिफरेंस डिविडेंड पहले और उसके बाद कंपनी चाहे तो इक्विटी डिविडेंड. सेकेंड क्वेश्चन. नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉल्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन जो बिजनेस वाले लोग रहते हैं उनके लिए बनाते हैं. वोकेशन मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, तो इनके लिए अपन क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आप लिख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उनके लिए. द प्रॉब्लम ऑफ रेड इंक इंटरेस्ट अराइजेस व्हेन द ड्यू डेट ऑफ ए ट्रांजेक्शन फॉल्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंट करंट. क्या है, क्या है, ट्रू है भैया, ध्यान नहीं है क्या. रेडिंग क्या, अपोजिट या कॉन्ट्रा कब लेते हैं, जब भी ड्यू डेट उसकी कट ऑफ डेट के आगे चलेगा, तब इसको उल्टा लेना पड़ता है, रिवर्स लेना पड़ता है, उसी को अपन रेडिंग बोलते हैं. कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ रियल अकाउंट. फॉल्स. वो नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस बताता है. क्या बताता है, प्रॉफिट लॉस. द बैलेंस इन पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट एन एसेट. ट्रू. यस. स्टॉक एट द एंड इफ अपियर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट. ट्रू है. ट्रायल बैलेंस में दिख रहा मतलब उसकी डबल एंट्री कर चुका है. स्टॉक अकाउंट जो दिखा रहा वो डेबिट है और उसका क्रेडिट उसने परचेसेस में ले लिया, तो तब उसको बोलेगा एडजस्टेड परचेसेस. आपको हमने इन्वेंट्री चैप्टर में भी बताया था ये चीजें, फिर आपको फाइनल अकाउंट में भी बताया. In case of sports fund is kept, expenses on account of sports event should be charged to sport fund. Revenue expenditure वाला fund हो गया ना वो. तो revenue expenditure वाले fund में क्या बोला था, income credit कर दो और expense debit कर दो. Capital expenditure वाला fund होगा जैसे building fund, तो building के लिए खर्चा करोगे तो building account में debit करोगे, building fund में debit नहीं करोगे. समझ रहे. सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटी. ट्रू है ना भाई. सैलरी पेड इन एडवांस खर्चा थोड़ो है, खर्चा है क्या. अब आप बताइए कि उससे एसेट रिड्यूस होते क्या. ध्यान से सोच लिए वो क्या बोल रहे, नहीं तो कंफ्यूजन होता आपको. आप बोलोगे सर पैसे दिए ना फिर एसेट तो रिड्यूस है. उसने एसेट बोला, उसने कैश नहीं बोला.
तो अब देखिए क्या हो रहा है, आपने जब एडवांस दिया तो आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया और एडवांस अकाउंट को डेबिट किया। कैश भी एसेट, एडवांस भी एसेट, एक एसेट कम हुआ दूसरा एसेट बढ़ गया, मतलब एसेट रिड्यूस नहीं हुई, समझ रहे? इसीलिए वो आपका, और कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस है। लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन केस ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अपन ने किया था ना, अपने इसमें था, तो ये डिपॉजिट है स्टूडेंट से जो उनको वापस करना है, रिफंडेबल है, तो लायबिलिटी है, करेक्ट है। द रिजल्ट एंड पोजिशन डिस्क्लोज बाय फाइनल अकाउंट्स आर नॉट एग्जैक्ट। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस, और पोजिशन मतलब फाइनेंशियल पोजिशन। तो प्रॉफिट लॉस कौन बताता है? पीएनएल अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजिशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। तो बोल रहा है आर नॉट एग्जैक्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ट्रू इसलिए बोलेंगे, आप चाहे तो वहां लिख सकते हो, बिकॉज एजम्पशंस आर मेड, एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर अप्लाइड। एस्टिमेट करते अपन बहुत सारी चीजें, जजमेंट लगाते हैं कि ये होगा वो, तो एजम्पशंस की जरूरत पड़ती है, एस्टिमेट लगाते हो, जजमेंट लगाते हो। इस वजह से अभी सोच के देखो, एसेट की लाइफ आपने एस्टिमेट किया थोड़ी अलग, दूसरे ने एस्टिमेट किया अलग। बैड डेब्ट का अंदाज लगाते हो आप, प्रोविजन क्रिएट करते हो, आपका अंदाज अलग, दूसरे का अंदाज अलग, बराबर। कोई बोलेगा कि ये डूबने वाला है बैड डेब्ट, लेकिन कोई बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से तो रिकवर हो जाएगा। तो ये जजमेंट लगाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, कभी कभी एजम्पशन लेना पड़ता है, तो इसलिए ये एग्जैक्ट है ऐसा नहीं बोलेंगे, समझ रहे? एग्जैक्ट यानी क्या होता है, जो हर किसी का वही आना चाहिए, उसको बोलेंगे एग्जैक्ट। तो मैथमेटिक्स एग्जैक्ट हो सकता है, अकाउंट्स एग्जैक्ट वाला साइंस नहीं है। इसमें क्या है, लोगों के अपने ओपिनियन, अपने जजमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए इसके हैव डिफरेंट वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। The rationale behind the opening of a suspense account is to tally the trial balance. अब ये भी थोड़ा सा ये है, मैं तो पर्सनली बोलूंगा तो मैं ट्रू वाले को भी गलत नहीं दूंगा, फॉल्स वाले को भी गलत नहीं दूंगा, क्योंकि क्या ये फालतू के क्वेश्चन रहते हैं। अब इसमें भाई ट्रायल बैलेंस बना टैली तो किया ही जाता है उसकी मदद से, तो कोई बोलेगा कि भाई ये सही तो है, क्योंकि पहला इस काम तो वही रहता, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं हमने सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाया ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी से बनाया जा सके। अब ये क्या है, अननेसेसरी चीज है, इसलिए इसका टेंशन मत पालो। लेकिन उनका व्यू क्या है कि भी काय के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी से बनाया जा सके, यानी कि वो सीधे फाइनल अकाउंट पे आ गए कि भी सस्पेंस अकाउंट बनाया तो हम बैलेंस शीट टैली करके आगे बढ़ जाएंगे, ये वो बोल। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। ये एक हाथ चीजें रहती उनकी जो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, उसको आप ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पढ़ने में आ गया तो आपको रहेगा कि अच्छा ठीक है, इसका इन्होंने ये जवाब बोला तो ये दे देंगे, बाकी हर जगह नहीं होगा ऐसा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स। अब भी थोड़ी देर पहले भी अपन ने देखा था, क्या है ये, ट्रू है, ये आपका ट्रू है। Accounting can be viewed as an information system which has its input, processing method and output. Input है आपके transaction and event, processing की method मतलब entry and posting, बराबर, और output बोला मतलब उससे trial balance, financial statement, ये तो इसका मतलब ये true है, सही है। Accounting का ये जो system है ये आपके input, processing and output के principle पे काम कर रहा है। The value of human resources is generally shown as an asset in the balance sheet. It is not shown, क्योंकि सबसे बड़ा इसका valuation का issue रहता है, क्योंकि वो human resources का valuation कैसा करना, एक दूसरा रहता है human resources के ऊपर आपका पूरा control नहीं चलता। Human resources मतलब समझा employees of the organization, organization के जो employees है उनको बोलेंगे human resources,
अब आपने उसको अपना एसेट कैसे बताओगे भाई, वो क्या बंधवा मजदूर रह गया, खरीद लिए क्या आपने? तो ये जरा उसमें है इश्यू, वो आपको अभी चिंता करना नहीं है, सिर्फ इतना ही समझ लो ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज, तो उनको एज एन एसेट अपन अपने अकाउंटिंग में दिखाते नहीं है, बराबर। अपन ने उसको एसेट बताने का, वो नौकरी छोड़ के चला गया, फिर उसको राइट ऑफ करने का है ना, अपन ने उसको एसेट बताया, पता चला वो तो लायबिलिटी है, काम का ना धाम का, सैलरी देना पड़ता है, तो एसेट है क्या वो? बहुत सारे इश्यूज है। पहले एक चैप्टर होता था सीए फाइनल में, अभी उन्होंने फाइनल में से भी हटा दिया ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि इनपे अभी कोई ऐसा एक्सेप्टेड सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच के देखो, ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका मेजरमेंट करना एक बात रहता, दूसरा फिर उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता है, इसलिए वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में एसेट करके अकाउंट नहीं कर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। यस, होना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए। द डेबिट नोट इशूड आर यूज टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। डेबिट नोट मतलब अपन पार्टी को डेबिट कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न में अपन सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं और पार्टी को क्रेडिट करते हैं, मतलब ये फॉल्स है उसका स्टेटमेंट। इसके लिए आपको कौन सा नोट इश्यू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट से काम बनेगा, क्योंकि आप पार्टी को करोगे क्रेडिट और सेल्स रिटर्न को करोगे डेबिट। डेबिट नोट में आप पार्टी को करोगे डेबिट और परचेस रिटर्न को करोगे क्रेडिट, समझ रहे? डेबिट नोट में आप पार्टी को करोगे डेबिट और परचेस रिटर्न को करोगे क्रेडिट। इन अकाउंट करंट रेडिंग इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज निगेटिव इंटरेस्ट। ट्रू, निगेटिव बोलो, कॉन्ट्रा बोलो, अपोजिट बोलो। ए टैली ट्रायल बैलेंस मीन्स दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। टैली ट्रायल बैलेंस से हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की गलती आपकी फिर भी हो सकती है, समझ रहे? जैसे कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर डाला, ट्रायल बैलेंस टैलीड होगा उससे, उसे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आता, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का टैली होना ये प्रूव नहीं करता कि आपने पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल ड्यूअल एस्पेक्ट वाली रहती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल से डिफरेंस आता नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फॉल्स, क्रेडिट काय में करना चाहिए, गुड्स यूज बोलो या परचेस में, देखो अभी भी जवाब गलत दे रहे, ड्रॉइंग बोल रहे, जबकि वो आपसे पूछ रहा क्रेडिट काय में करने का, ये गड़बड़ी करने वाले है, क्योंकि जहां उसने बोला गुड्स तो अपने को ड्रॉइंग याद आ जाता है, वो क्रेडिट पूछ रहा डेबिट नहीं पूछ रहा, तो क्रेडिट गुड्स यूज में करते हो या परचेस अकाउंट में करते हो। अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ द रिड्यूस्ड वर्किंग एक्सपेंसेस विल जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द एंटिटी। तो जो एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म नेचर के बेनिफिट क्रिएट करता है उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, तो मतलब आपने वो ऐसे काम किए, मतलब पूरे सिस्टम में प्रोसीजर में ऐसे चेंजेस किए जिससे कि आपका आगे का खर्चा रेगुलरली कम हो जाएगा, तो इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जा सकता है, मतलब उसका स्टेटमेंट ट्रू है। जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट विद इन एन ईयर एंजॉयड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। The additional commission to the consignee who agrees to bear the loss on account of bad debt is called overriding commission. अब ये देखो, ये कोई कोई लोग बोल देते हैं, बट इसको एक्चुअल नाम क्या है, डेल क्रेडर कमीशन, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि भाई ये फॉल्स है। When there is no agreement among the partners, the overriding commission मतलब एक नॉर्मल के ऊपर, तो जनरली वो सेल्स बढ़ाने के लिए overriding commission होता है कि भी थोड़ा ज्यादा में बेचेगा तो हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, राइट? वो है ओवरराइड।
बैड डेट के लिए स्पेसिफिक उसका नाम क्या है, डेल क्रेडर कमीशन. When there is no agreement among the partners, the profit or loss of the firm will be shared in their capital ratio. When there is ये अपने पहले भी देखी ना, पहले था. When shares are forfeited, the share capital account is debited with called up capital of shares forfeited, and the share forfeiture account is credited with calls in arrears of share forfeited. False. इसमें जो उसने पहला पार्ट बोला ना वो बराबर बोला, ये पर ये जो बोला उसने कि द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद कॉल सीनरियर, तो ये गलत है. कैसे क्रेडिट करते अपन, कैपिटल कलेक्टेड से, बराबर. अमाउंट कलेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल, कैपिटल में से जितना पैसा कलेक्ट हुआ वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर पैसा कलेक्ट हुआ होगा तो वो इसमें क्रेडिट नहीं होता, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही क्रेडिट रहता है. अब आप एक काम करेंगे, सबसे पहला वाले पेज पे आ जाएंगे, मई 2019 का क्वेश्चन पेपर. ये वाला पेपर, इसमें 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को तो आप कट कर डालो, वो आपके कोर्स से हट गए. 5 और 6 को, 1A का 5 और 6 डिलीट कर दो, ठीक है. पहला देखिए, उसमें 1A में ट्रू फॉल्स वाला है. अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच वेयर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. True है. क्यों true है, सोच के देख लो आप भाई, कि आपने वो खर्चा काहे के लिए किया, बिल्डिंग बनाने के लिए. अभी बिल्डिंग बनाते समय आपको वहां पे वर्कर लोगों को रुकाना पड़ता, आपको वहां पे सामान रखना पड़ता, सीमेंट रखना पड़ता, तो उसके लिए छत तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो टेम्पररी बनाए जाते हैं. बिल्डिंग बन गई तो टेम्पररी चीज हटा दी जाती है, तो वो बिल्डिंग को कंप्लीट करने का नेसेसरी खर्चा है. किसी भी एसेट को रेडी करने तक, ख्याल आ रहा है, बहुत बार रिपीट किया, किसी भी एसेट को रेडी करने तक के लिए जो जो जरूरी खर्चा है वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसलिए वो ट्रू है, सही है. इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल. फॉल्स. एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलते हैं अपन, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू उसको. ये आपकी एरर ऑफ कमीशन हो गई. ये क्या हो गई, एरर ऑफ कमीशन. इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स. फॉल्स. कंसाइनी को ओनरशिप ट्रांसफर होती नहीं है, समझ रहे. ओनरशिप किसको जाएंगी, जो खरीदेगा उसको. गुड जब तक बिकते नहीं ओनरशिप हमारी यानी कंसाइनर की रहती है. इन केस द ड्यू डेट ऑफ ए बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज नोन एज रेड एंक इंटरेस्ट. ट्रू, करेक्ट है. क्या है ये, करेक्ट है. अब दो जो पहले की एग्जाम हुई, मई 18 नवंबर 18, ठीक है, मई 18 नवंबर 18 के भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपके मटेरियल में नहीं कवर्ड है, क्योंकि हमने बाकी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन थे सब कवर कर लिया, आपको करा दिया, पर ट्रू फॉल्स के नहीं है उसमें, तो इसलिए उसको भी हम दिखा रहे हैं. अब ये आपके पास होंगे नहीं तो आप इसको थोड़ा लिख भी सकते हो, बराबर. शॉर्ट में लिखो, जो रेड इंक कर दिया है उसको मत लिखना, वो आपके कोर्स से हट चुका है, ठीक है. पहले आपके कोर्स में थे, आप हट गए. क्रॉस भी मार्क कर देता हूं, ये मत लिखना, ये मत लिखना है क्या आपके इसमें है, तो फिर तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं, बस देख लो फिर. है बोल रहा है, क्वेश्चन वाला जो सेट था ना उसमें है बोल रहा है, मुझे लगा कि शायद नहीं होगा वो आपके पास, फिर लगता मई का पेपर भी होगा शायद उसमें है? नहीं है, कैपिटल ऑफ रेवेन्यू
वो इसमें आ जाएंगे, वो उसके है आरटीपी के। तो आरटीपी के क्वेश्चन तो मैंने लिया अभी आपको करा दिया, सिर्फ ये एग्जाम वाले दो क्वेश्चन। पानी की बोतल अपने पास रखने का, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक होगा नहीं दो घंटे में, और उठ के जाना आना बहुत इनकन्वीनियंट रहेगा, बराबर है, क्योंकि सब बैठे हुए हैं, फिर एक कोई उठना तकलीफ होगी। तो पानी की बोतल अपने पास रखने का, जरूरत पड़ी तो पी लेने का, इंतजार नहीं करने का कि शर्मा सर जब पियेंगे तभी जपन पियेंगे। तो ये आपके मई 2018 की एग्जाम का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ऑप्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉल्स। इसको क्या बोलना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो सिनेमा हॉल के लिए एक लाइसेंस मिलेगा तभी तो चालू करोगे ना उसको, इसका मतलब वो जरूरी खर्चा हो गया, और सिनेमा हॉल आपका क्या है, एक एसेट है, एसेट का खर्चा है। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट ए सेल, फॉल्स। रीइश्यू इज ए सेल नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, रीइश्यू को क्या बोलते हैं, सेल नॉट एन अलॉटमेंट। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल आउट द एरर विल बी कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। अभी ऐसे में देखो थोड़ा भी ध्यान नहीं दोगे ना गड़बड़ होगी, उसने आधा सेंटेंस करेक्ट है उसका कि ये कंपेंसेटिंग एरर है वहां तक बराबर है, और उसने बाद वाला जो पार्ट कर दिया विल डिसएग्री, गलत है, उससे तो एग्री होगा क्योंकि वो दोनों गलतियों ने क्या किया, एक दूसरे के डिफरेंस को कैंसल आउट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। देर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट, तीन बताए थे ना आपको, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मैथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मैथड और इंटरेस्ट टेबल मैथड। क्या है, इंटरेस्ट टेबल मैथड, तीसरा इंटरेस्ट टेबल मैथड, ये तीसरा, दो तो आपके ध्यान में है, ये तीसरा। वेन देर इज नो पार्टनरशिप डिड प्रिवेल द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर टू बी पेड 6%, ट्रू है। अब देखना यही क्वेश्चन में वो आपके पूछने वाला है, और आप उसको ट्रू बोलोगे जबकि वो फॉल्स रहने वाला है, क्योंकि उसमें वो छोटा सा चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा मैं बताता आपको, कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डिड प्रिवेल द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर टू बी पेड एट 6%, है ना, तो ध्यान देना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं प्रोफेशनल पढ़ाई में। अब वो कैपिटल कर दिया उसने, कैपिटल के लिए प्रोविजन क्या है, अगर इंटरेस्ट एग्री नहीं किया तो नो इंटरेस्ट। ये आपके नवंबर 2018 की एग्जाम का क्वेश्चन है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ ए मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये जो है ओवरहॉलिंग करके वो लंबे समय तक हमको बेनिफिट देगा। एक्चुअली ऐसा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, या तो लिखना चाहिए कि दिस विल गिव ए एंड्यूरिंग बेनिफिट, समझ रहे, तो आपने ऐसी जगह पर लिख देना चाहिए कि अज्यूमिंग कि इट विल गिव एन एंड्यूरिंग बेनिफिट, यानी आपको लंबे समय तक आपके खर्चों को बचाएगा, सेव करेगा, तब आप उसको बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उस केस में यह फॉल्स हो जाता। Depreciation is a non-cash expense and does not result in any cash outflow. बराबर है ना, depreciation की एंट्री क्या होती है, depreciation debit और fixed asset credit, cash bank में इफेक्ट नहीं जाता है, मतलब उससे पैसा नहीं जाता है। Fees received for life membership is a revenue receipt as it is of recurring nature. लाइफ मेंबरशिप फीस यानी एक ही बार मिलने वाली है, तो उसने जो रिकरिंग बोला वो तो वैसी फॉल्स हो गया। रिकरिंग का मतलब बार बार मिलती है, जबकि वो कितनी बार मिलेंगी, एक बार। लाइफ मेंबरशिप फीस
यानी एक ही बार वो मेंबर देगा तो जनरली फिर इसको क्या ट्रीट करना चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना चाहिए. इफ क्लोजिंग स्टॉक अपियर्स इन द ट्रायल बैलेंस द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट. ट्रू है ना भाई, ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है मतलब उसकी एंट्री हो चुकी थी, तो वो इन्वेंट्री कहां दिखेंगे, अब सीधे आपके बैलेंस शीट में. ट्रेडिंग अकाउंट में अब वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, एडजस्टेड परचेज दिखेगा. और सिक्स वाला, फिफ्थ को छोड़ दो, फिफ्थ वाला आपके कोर्स से हट गया. सिक्स वाला, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी द लॉस ऑफ बैड डेब्ट इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर. कौन बियर करेगा? कंसाइनर. ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखना, थोड़ा अलर्ट रहना, ध्यान से पढ़ना, वरना जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो सकती है. समझ रहे, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये हो सकता, मिस हो सकता है. आपने देखा कई बार उसका आधा सेंटेंस करेक्ट बात बोलता और बाद वाले में थोड़ा सा गलत बोल देता. तो बेटर ऑप्शन मैंने जो आपको कल बोला था कि आपने ये जो पहला क्वेश्चन रहता है उसमें और टुकड़े टुकड़े में रहते छोटे छोटे, जनरली आप बाकी के क्वेश्चन में जो आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उससे शुरू करो, क्योंकि शुरू में आपके दिमाग पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, टेंशन ज्यादा रहेगा, उसमें ऐसे में क्या होता है ध्यान नहीं जाएगा, आप गलती कर दोगे, बाद के लिए रख देने का, बाद में तो आपका माइंड सेटल डाउन हो जाता है, दो चार क्वेश्चन हो गए तो फिर कर डालने का उसको. और इसमें छोटे छोटे चार पांच क्वेश्चन देता हूं पहले में, तो उसमें वेरिएशन या थोड़े डिफिकल्टी होने की भी चांसेस रहती है, बट बाकी के क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन ये ट्रू फॉल्स वाले में गड़बड़ी जल्दी में हो सकती है. ठीक है, आप सोच सोच के लिखोगे रीजन क्या लिखूं, रीजन क्या लिखूं, छोड़ो ना, बाद में करना इसको, दूसरे क्वेश्चन पहले करो, इसको बाद में करना. अब हम आरटीपी पे वापस. प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स. मैं क्विकली लिखूंगा जहां जरूरत है. तो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हो गए, वो क्वेश्चन अपन ने जो आरटीपी में लिए ना वही क्वेश्चन है, वो अपन ने आरटीपी के क्वेश्चन ले चुके अभी, इसमें वही आप देख लेना बाद में, वो आरटीपी के क्वेश्चन है वो अपन ले चुके हैं. ठीक है, इसकी एंट्री अगर लिखना है तो मैं, पर जरा क्विकली लिखना, टाइम ज्यादा अपन ने वेस्ट नहीं करने का है. एम्प्लॉय हैज टेकन स्टॉक वर्थ 10,000, कॉस्ट प्राइस 7,500 ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ. सैलरी डेबिट टू, अब आप इसको गुड्स यूज बोल सकते हैं या कोई इसको परचेस में भी क्रेडिट कर सकता है, बराबर. अब इसको 7,500 लेगा, ये अपन एजम्पशन ले सकते हैं कि एम्प्लॉय इसलिए कॉस्ट पे दिया, बाकी उसने लिखा नहीं है, तो इसलिए आप ऐसा लिख देने का कि हमने एज्यूम किया कि एम्प्लॉय है तो उसको एट कॉस्ट दिया. अगर आपने उसको 10,000 में दिया तो फिर तो उसको सैलरी डेबिट टू सेल बोलना चाहिए. फिर क्या बोलना चाहिए उसको? सैलरी डेबिट टू सेल, क्योंकि आपने उसको सेल वैल्यू पे दिया, मतलब नॉर्मल सेल की तरह हो गया. वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, इसमें तो कुछ नहीं है, मैं स्किप कर देता हूं. मशीन डेबिट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट. इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 1700 ऑफ पेड आउट ऑफ पेटी कैश, इसको आपने ड्रॉइंग में करना चाहिए डेबिट, और पेटी कैश में करना चाहिए क्रेडिट. ड्रॉइंग डेबिट. फोर्थ, परचेसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000, ही अलाउड 10% डिस्काउंट, ₹50 कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट. परचेस अकाउंट डेबिट,
2000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 200 कट करके अमाउंट आएगा 1800, बराबर। फिर हमने उसको जल्दी पैसे दिए इसलिए उसने डिस्काउंट अलाउ किया 50 रुपए। इसका मतलब हमने उसको पे कितना किया है, 1750, 1750। कितना पे किया हमने उसको, 1750। सिक्स वाला क्वेश्चन, ये आपके उसमें क्वेश्चन 5 था, अब ये क्वेश्चन 6। ए रनिंग बिजनेस वॉज परचेज बाय मोहन विथ फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी उसने बिजनेस खरीद लिया तो अकाउंटिंग उसकी जैसे नहीं ओपनिंग बैलेंस की होती, बिल्कुल वैसे ही कैश डेबिट 2000, लैंड डेबिट 4000, फर्नीचर डेबिट 1000, स्टॉक बोलो या इसी को आप चाहे तो ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हो डेबिट 2000, टू क्रेडिटर लायबिलिटी है ये हमारी 2000, सॉरी 1000, 1000 टू बैंक ओडी ये भी लायबिलिटी हमारी 2000। अबे दोनों का डिफरेंस निकालो 6000। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, इसने किसी और से खरीदा होगा तो उस पार्टी को पे किया होगा 6000, और इसका खुद का ही होगा तो भी किसी को, यानी इसने किसी को पे किया तो भी ये गिवर है, और इसने खुद ही ने अपने बिजनेस को आपको दिया है तो भी ये गिवर है, तो इसका अकाउंट बोल के क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। मतलब ये ओनर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया ऐसा मान के चलो आप, समझ रहे, ये ओनर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, काय के लिए देते फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू, आप इसको गुड्स यूज्ड अकाउंट बोल सकते जो अपन नाम देते हैं, नहीं तो परचेस अकाउंट भी क्रेडिट हो सकता है। अब टाइम बचाना है तो एंट्री वहीं के वहीं लिख रहे होंगे, तो एंट्री लिख दो, अमाउंट नहीं लिखा तो क्या प्रॉब्लम है, अमाउंट तो लिख ही रहा हूं। रहीम बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड टू पे ओनली 50 पैसे इन रूपी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम ₹600। क्या एंट्री होंगी, बैड डेब्ट डेबिट। अब उसने कुड पे ओनली, मतलब अब इसमें दो है कि अभी पे किया कि नहीं पे किया, बराबर। अब अगर अभी उसने पे कर दिया होगा तो हम कैश भी डेबिट बोल सकते हैं, बराबर। तो बैड डेब्ट डेबिट 300, कैश डेबिट 300 टू रहीम अकाउंट। अब अगर आपने सिर्फ बैड डेब्ट डेबिट टू रहीम बोला तो आपने लिख देने का कि हमने एज्यूम किया कि कैश बाद में मिलेंगी, अभी मिले नहीं तो सीधा ये एंट्री कर दी। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन वहीं के वहीं मार्क कर देना, ठीक है, क्वेश्चन में ही मार्क कर देना। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू, एक बार मीनिंग बोल देता हूं, जो एक्सपेंडिचर से कोई एसेट क्रिएट होता है, जो एसेट का, जो एक्सपेंडिचर का आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा सिंपल लैंग्वेज में मोर देन वन ईयर, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एसेट है उसको रेडी करने तक के सब खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बराबर। नाम अलग अलग हो सकते हैं, मशीन खरीदा लाने के लिए बोलेगा फ्रेट पे किया, पर वो फ्रेट मशीन का है इसलिए मशीन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर। जो एसेट ऑलरेडी रेडी है यूज हो रहा है उसके ऊपर फिर से अगर खर्चा किया तो जनरली वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के नेचर का होता है, लेकिन अगर कभी बोले कि उस खर्चे की वजह से उसका जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट का लेवल था वो ओरिजिनल से ज्यादा होने वाला है,
तब उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। पहला आइटम अमाउंट इज स्पेंट ऑन मेकिंग ए फ्यू मोर एग्जिस्ट मतलब दरवाजे इन सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर। इससे कोई आपकी कैपेसिटी वगैरह बढ़ने वाली है क्या? नहीं। पर अब गवर्नमेंट का लॉ है आपके इसमें दो दरवाजे होंगे, गवर्नमेंट बोलती नहीं कभी कोई एक्सीडेंट हुआ तो चार करो, तो दो दरवाजे और बनाए, उससे आपके कोई एसेट की यूटिलिटी में फर्क पड़ा नहीं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेस ऑफ कैपिटल एसेट, मशीन वगैरह खरीदना है उसके लिए आपने वो खर्चा किया। अभी राजनाथ सिंह गए थे ना अभी अपने, तो राफेल खरीदने के लिए गए थे ना वो, हाँ तो इसलिए वो अगर उसका पार्ट माना जाएगा तो क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग यानी आपके रूटीन खर्चे को कम करने के लिए है तो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इसी में अगर वो बोल दे कि आपके वर्किंग एक्सपेंसेस फॉर लॉन्ग टर्म में रिड्यूस होंगे तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, पर अगर उसका बेनिफिट उसका इफेक्ट सिर्फ एक साल के खर्चे कम करने के लिए है तो बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक ऑफ टू ए न्यू साइट, एक जगह से स्टॉक दूसरे गोडाउन में पहुंचाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट टू वर्किंग कंडीशन, क्या है वो? एक पॉइंट ध्यान में होना चाहिए कि किसी भी एसेट को पहली बार रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। अगेन वही क्वेश्चन वही है, कैपिटल रेवेन्यू। कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे ये रूटीन है, बिल्डिंग को आपको फिर से रीपेंट कराते रहना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, रीपेंटिंग ऑफ ए डिलीवरी वैन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर ए न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट, तो इसका मतलब बगैर उसके वो इक्विपमेंट काम ही नहीं करेगा, ये उसी का पार्ट है। बराबर। तो इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बगैर उसके वो आपके नाम से ट्रांसफर थोड़ा होने वाला है। कैरेज कॉस्ट ऑन ए रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ ए पीस ऑफ मशीनरी, रिप्लेसमेंट का कैरेज है वो, मतलब पार्ट बदल रहा उसको लाने का खर्चा, तो पार्ट का खर्चा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये लाने का खर्चा भी रेवेन्यू है, मशीनरी लाने का खर्चा नहीं बोल रहा हूं। नेक्स्ट, 10,000 स्पेंट एज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी परचेज, किसी भी एसेट को मशीनरी को लाओगे इंपोर्ट करोगे तो ड्यूटी देना पड़ता है, तो ये उसका नेसेसरी खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलोगे आप, क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, किसी भी इक्विपमेंट को रेडी तभी बोला जाता है जब उसकी ट्रायल एंड टेस्टिंग पूरी हो जाए, तो इसका मतलब ये भी उसका कंप्लीशन का ही हिस्सा है, जब तक ट्रायल एंड टेस्टिंग नहीं होगी उसको रेडी नहीं बोलते। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, अब ये मशीनरी के लिए मिला है इसलिए कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, ये मशीनरी के लिए मिला इसलिए आपका क्या है वो कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग फ्यू मोर एग्जिट्स, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी देखा अपन ने, मेरे को लगता वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन है रिपीट हो गया मेरे देखने में नहीं आनी तो मैं उसको अवॉइड कर देता था। ठीक है, रिपीट है, पहले वाला क्वेश्चन ही है वो। परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड है, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर दी परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी ए सारी डीलर एंड पोस्ट देम टू लेजर,
मैं सिर्फ परचेस रिटर्न बुक बताता हूं, पोस्टिंग ऐसी ओरली बता दूंगा, और यहीं के यहीं लिख रहा हूं मैं, अलग से नहीं लिखता, आप घर में बैठ के बना सकते हो। चार आइटम दिया, एक एक करके देखने का। पहला आइटम, रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिस्टर सारीज एट द रेट ऑफ 100। तो अपन परचेस रिटर्न की बात कर रहे हैं, सारीज अपने गुड्स है, अपन ने ये वापस किया, मतलब ये परचेस रिटर्न में जाएगा, करेक्ट है। अमाउंट आएगा 500 रुपए, 5 साड़ियों का 100 रुपए के रेट से कितना हो जाएगा 500। फिर 9 जनवरी का बोलता है, गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ सारीज, सारीज का ही रिटर्न, लेकिन आगे क्या होता, विच वेयर परचेज फॉर कैश, तो हमने कैश में खरीदा था, तो जब हम उसको वापस करेंगे तो पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो हमको उसको कायम रिकॉर्ड करना है कैश बुक में, मतलब ये आपकी परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा। हम यहां बात काय की कर रहे हैं, सिर्फ परचेज रिटर्न बुक की एंट्री तो होंगी लेकिन काय में होंगी, कैश बुक में, बराबर है। कैश डेबिट टू परचेज रिटर्न, रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 सिल्क सारीज, अगेन ये गुड्स है, तो हमने रिटर्न किया, ये परचेज रिटर्न बुक में आएगा, 5 × 260 करो 1300। फिर रिटर्न 1 टाइपराइटर बीइंग डिफेक्टिव 3500 टू बी एंड कंपनी, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये हमारा गुड्स नहीं है, ये हमारा एसेट है, इसको खरीदने की एंट्री जर्नल में हुई होंगी, रिटर्न की भी एंट्री जर्नल में होंगी, ये परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं है। अब परचेस रिटर्न बुक से आप इसको परचेस रिटर्न अकाउंट में करोगे क्रेडिट, समझ रहे हैं, परचेस रिटर्न में क्रेडिट, और ये जो अमाउंट है ये पार्टियों को करोगे आप डेबिट। तो गोयल मिल या इधर मित्तल मिल्स, इनको आप क्या करोगे डेबिट, जस्ट एक समझाने के लिए शॉर्ट बता दिया, पार्टी को करोगे डेबिट, हमने उनको माल दिया, और परचेस रिटर्न में करोगे क्रेडिट, परचेस रिटर्न में वो क्रेडिट करोगे 1800, एक एक करके नहीं टोटल। बेसिक से रिलेटेड किसी को कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हो, बेसिक से रिलेटेड कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये दो लीगल नेचर के डॉक्यूमेंट है जिनको कमर्शियल दुनिया में पैसों की तरह वैल्यूएबल माना जाता है, दे आर ट्रीटेड लाइक मनी, पैसों की तरह वैल्यूएबल माना जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी ओनली, पैसे को छोड़ के कुछ और नहीं आप उसमें बोल सकते, और स्पेसिफाइड होना चाहिए कितना अमाउंट, बराबर। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बोल सकते हैं, प्रॉमिस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर देते हो पे करो, प्रॉमिसरी नोट में आप बोलते हैं आई प्रॉमिस टू पे, उसमें भी ए सर्टन सम ऑफ मनी होना चाहिए। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट होते हैं ये टाइम वाले भी होते हैं, मतलब कुछ समय के बाद पे करना है, या ऑन डिमांड वाले भी होते हैं, मतलब अभी पे करो या जब हम मांगेंगे तब पे करो, ऑन डिमांड, पे ऑन डिमांड। अपने को पढ़ाई में ज्यादातर दिखते टाइम वाले, अब वो टाइम वाले में या तो पीरियड दिया रहता है जिसके ऊपर से अपन ड्यू डेट निकालते थे, या तो फिर वो आपको डेट भी दे सकता है कि वी पे बाय दिस डेट, बराबर, वो डेट डाल सकता है। टाइम जब मंथ डेज इनमें रहा तो फिर अपन उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड कर देते हैं, बराबर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के केस में
ड्यू डेट निकालते समय आप तीन दिन ग्रेस के ऐड करते हो। अब बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, ये मान लो ए है, इसने बी को गुड्स बेचा उधारी में, तो ए को बी से पैसे लेना है, तो ए कहलाता है क्रेडिटर है और बी कहलाता है डेटर। ऐसे केसेस में अगर ये पार्टियां चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट बनना कोई कंपलसरी कोई लॉ वाली चीज नहीं है, इनको अगर लगे तो बनाएंगे। तो भाई कब लगेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बनाना चाहिए? तो मेनली दो कारणों से बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बनता है। नंबर वन, अगर उसको लगता है कि ये पार्टी कल को डिस्प्यूट करेगी पे नहीं करेगी तो मेरे पास एक एविडेंस होना चाहिए पक्का वाला, उसके लिए बना रहा है। दूसरा रहता है कि भाई पार्टी तो अच्छी है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैंने इसको उधारी दिया कि भाई तीन महीने के बाद देना पैसे, लेकिन मेरे को अपना कारोबार चलाने के लिए अभी पैसे चाहिए। तो मैं अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बना लूं तो इसकी मदद से मैं बैंक से पैसे उधार ले सकता हूं। बराबर, ये दो मेन पर्पजेस रहते हैं जिसकी वजह से हम बिल बनाते हैं। अगर हमको लगता है दोनों पर्पज नहीं है तो मत बनाओ। अब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने का काम जो पैसे लेने का हक रखता है वो बनाएगा। तो ए इस केस में पैसे लेने का हक रखता है, तो ए इज नोन एज ड्रॉअर। वो ऑर्डर किसको देगा? बी को। तो बी को बोलेंगे ड्रॉइंग, उसी को आप बोल सकते एक्सेप्टर, उसी को क्या बोल सकते आप एक्सेप्टर। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखेगा पे टू मी और माय ऑर्डर, या किसी और का नाम लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकता है कि पे टू मिस्टर सी, तो उसको बोलते हैं पेई, यानी जिसके फेवर में है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी, ड्रॉ करने वाला जिसने ऑर्डर दिया। इसका सिंपल सा एग्जांपल है आपके लिए चेक। क्या है इसके लिए आपके लिए एग्जांपल? चेक। तो आपने चेक ड्रॉ किया, मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो और वो ऑर्डर दे रहे बैंक को कि भी पे करो, और वो पार्टी जिसका नाम आपने उसमें लिखा हो कैप्स, तो इसका मतलब कैप्स इज द पेई। बराबर, तो ए ने ऑर्डर दिया कि पे करो, तो ए को बोलेंगे ड्रॉअर। बी को ऑर्डर दिया गया कि मिस्टर बी पे रुपीज सो मच, तो बी इज ड्रॉई। फिर बाद में वो बिल को एक्सेप्ट करेगा तभी वो बिल कंप्लीट कहलाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। ड्रॉअर और पे कैन बी सेम, कैन बी सेम, बट ड्रॉवी एंड पे कैनॉट बी सेम। लेकिन फिर आपने पढ़ा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स होते हैं, तो एंडोर्स होके घूम फिर करके अगर कभी ऐसी नौबत आ गई कि पैसे लेने वाला और पैसे देने वाला एक ही पार्टी है, तो उसको कैंसिल कर देने का। क्योंकि अभी थोड़े देर पहले अपन ने एसेट का मतलब बोला था, एक तो ऐसी कोई तो भी वैल्यूएबल चीज, दूसरा अपन ने बोला था किसी से कुछ लेने का हक, अपने आप से नहीं। लायबिलिटी का मतलब किसी को कुछ देने का ऑब्लिगेशन। तो जब भी कभी कभी होता है ऐसा अकाउंटिंग में कि वही पार्टी देने वाली लेने वाली पोजीशन में आ गई, दोनों सेम पार्टी, तो क्या करेंगे? उसको कैंसिल कर। बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट दो में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना के आपका काम चल सकता है, ये दोनों पार्टियां मिलकर डिसाइड कर सकती है। तो अगर प्रॉमिसरी नोट बनाने का डिसीजन हुआ तो प्रॉमिसरी नोट में बी लिख के देगा आई प्रॉमिस टू पे, तो उसको मेकर भी बोलते हैं, उसको प्रॉमिसर भी बोलते हैं। बराबर, और वो किसको लिखेगा? मिस्टर ए को, कि भाई आई प्रॉमिस टू पे, तो ए को बोलेंगे प्रॉमिसी। ए क्या बन गया? प्रॉमिसी, जिसके फेवर में प्रॉमिस है। इसमें दो ही पार्टी रहेगी, क्योंकि बी को क्या मालूम है कि ए को पैसे चाहिए कि किसी और को चाहिए, तो वो तो सीधा ए के नाम से बना के देगा, मिस्टर ए आई प्रॉमिस टू पे यू सो मच और योर ऑर्डर, आई प्रॉमिस टू पे यू और योर ऑर्डर। ये दो में से कोई भी डॉक्यूमेंट बने, इसके लिए ये कहलाएंगे बिल्स रिसीवेबल।
और इसके लिए ये कहलाएंगे बिल्स पेबल, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की वजह से इसको पैसे लेने का हक है और इसको पैसे देने का ऑब्लिगेशन है। बिल रिसीवेबल इज एन एसेट अकाउंट, बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी अकाउंट। रियल पर्सनल के झगड़े में ना पड़ो तो अच्छा है, हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट है दोनों, कोई बोलेगा बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट है, बराबर है? तो वो थोड़ा एक ये हो सकता, हमारे हिसाब से तो हम बोलेंगे दोनों को पर्सनल अकाउंट ट्रीट करो, लेकिन डबल एंट्री बनाने के लिए ये पर्सनल अकाउंट वाला क्लासिफिकेशन आपको नहीं मदद करेगा। इसीलिए आपने डबल एंट्री काय पे से बनाना, एसेट और लायबिलिटी पे से। जब भी आपको लगे कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से मेरे बिल रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो बिल रिसीवेबल को कर दो डेबिट, जब भी लगे कि मेरे बिल रिसीवेबल कम हो रहा है तो बिल रिसीवेबल को कर दो क्रेडिट। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, जब भी लगे कि बिल्स पेबल की लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, बढ़ जाएगी। जब भी लगे कि बिल्स पेबल की लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट करो, लायबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट एक बार बन गया, ये बनने की स्टेज, उसके पहले गुड्स बेचे खरीदे वो, यानी पहला ये ट्रेड ट्रांजेक्शन, इसको बोलेंगे ट्रेड ट्रांजेक्शन, सेल परचेज। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट बना, अब इसके बाद इसमें पीरियड दिया होगा कि 3 महीने 4 महीने, तो इस बीच में ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट रहेगा ए के पास, और ए इसके साथ 4 अलग अलग चीजें कर सकता है, या तो रिटेन कर लेगा, मतलब उसको अपने पास ड्यू डेट तक रखेगा, या तो वो उसको डिस्काउंट कर लेगा अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो, या तो वो उसको एंडोर्स कर देगा किसी और के फेवर में, और या तो फिर वो कलेक्शन के लिए भेजेगा अगर दूसरे शहर में पार्टी है तो, बराबर। इन चारों का इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं रहता, इसके लिए वो बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल रहेगा ड्यू डेट तक, बराबर। इधर लिखता हूं अभी ड्यू डेट के बारे में, ऑन ड्यू डेट देर विल बी टू पॉसिबिलिटीज। तो ड्यू डेट पे दो पॉसिबिलिटी है, बिल इज ऑनर्ड मतलब पे कर दिया, बराबर, या बिल इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर मतलब उसने पे नहीं किया, ऑनर किया तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसने पे किया, ये सिंपली बोलेंगे बिल्स पेबल, डेबिट, बैंक, कैश, क्रेडिट। लेकिन इसके लिए ऑनर की एंट्री इस बात पे डिपेंड करेगी कि इसने बिल के साथ क्या किया था, समझ रहे हैं? इसने रिटेन किया होगा तो पैसे इसको मिलेंगे, एंट्री करेगा, पर इसने ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट कर लिया होगा तो अब इसके लिए ट्रांजेक्शन नहीं है, इसने एंडोर्स कर दिया होगा तो अब इसके लिए ट्रांजेक्शन नहीं है, बराबर। कलेक्शन के लिए भेजा होगा तो पैसे मिलेंगे, हो सकता है बैंक अपने कुछ चार्जेस लगा दे। डिसऑनर में ये तो सिंपली रिवर्स कर देगा कि बिल्स पेबल डेबिट और ए का अकाउंट क्रेडिट, लेकिन इसके लिए डिसऑनर की एंट्री रिवर्सल है, पर इसको देखना पड़ेगा कि इसमें से क्या किया था और उसके बेसिस पे इसकी होगी रिवर्सल की एंट्री। ड्यू डेट पे अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भी थोड़ा आगे के लिए टाइम दो मेरे को, मैं आपका पेमेंट करूंगा, तो उसको अपन बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो रिन्यूअल यानी पीरियड को आगे बढ़ाना, तो बट नेचुरल है पैसा डिले हो रहा तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और फिर नए बिल बना के लेगा। तो 3 पार्ट रहते हैं, पुराना बिल कैंसिल करो, इंटरेस्ट चार्ज करो और नया बिल। नया बिल फुल अमाउंट का भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है थोड़े पैसे दे और बाकी के अमाउंट का बिल दे, बराबर। पर 3 हिस्से में आप बोल सकते हो, पुराना बिल कैंसिल, इंटरेस्ट ड्यू किया और उसका सेटलमेंट। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जल्दी पैसे देने के लिए आ जाए, उसको अपन बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। तो जैसे डिले किया तो आप उसको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं,
तो वो जल्दी पे करेगा तो आप उसको कंसेशन दो, बराबर, उसको आप कंसेशन दो। नोटिंग चार्जेस एक होता है, वो अलग से तो कुछ नहीं है, बट डिसऑनर के केसेस में वो आ सकता है, इसलिए डिसऑनर के साथ मैं उसको लिंक कर रहा हूं, नोटिंग चार्जेस। बिल डिसऑनर हुआ तो कल को अगर आपको लगता है कोर्ट में जाने की नौबत आएगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट का प्रोसेस यह है कि ड्यू डेट पे आपको उसके पास जाना पड़ता है, आपको मतलब जो होल्डर है जिसके पास वो बिल है उसको जाना पड़ता है ड्रॉई के पास कि भैया ये बिल ड्यू अप प्लीज पे। इसलिए अगर आपके पास वो बिल तो डिसऑनर हुआ, आप तो गए थे, पर कोर्ट में जब नंबर लगेगा तो हो सकता है बी बोलेगा जज साहब मैं तो रास्ता देख रहा था ये आए ही नहीं पैसे लेने के लिए, तो फिर आपके लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप गए थे वहां। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा? ऐसी सिचुएशन अगर आपको लगता है तो नोटिंग करा लो, तो नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट अथॉरिटी रहती है, हम उसके पास जाएंगे कि बिल डिसऑनर हुआ, वो वापस बी को कांटेक्ट करेगा, बी पे नहीं करेगा तो वो बिल पे लिख देगा, उसको बोलते हैं नोटिंग करना, लिख देगा कि बिल वॉज प्रेजेंटेड एंड डिसऑनर्ड, साइन कर देगा, ठप्पा लगा देगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट के पास ये एविडेंस है, दिखा सकते हैं आप, ये देखिए है ना। इसके लिए वो नोटरी पब्लिक चार्जेस लेगा, जो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा उससे लेगा। तो अगर बैंक में आपने बिल डिस्काउंट किया था, बैंक के सामने बिल डिसऑनर आया, वो नोटिंग कराएगा आपसे लेगा, आप यानी ड्रॉअर, आपने फिर मांगने का ड्रॉ इसे, क्योंकि गलती किसकी थी, ड्रॉ की। इसका मतलब अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस का खर्चा ड्रॉवी का खर्चा रहना चाहिए और नोटरी पब्लिक की इनकम रहना चाहिए, बीच वाले जितने होंगे उनके लिए एक तरफ देना है और दूसरे तरफ से लेना है, उनके लिए ना तो यह एक्सपेंस है और ना तो यह इनकम है, बराबर। फिर आप बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल में तो मेरे ख्याल से यही पॉइंट है, इसके बाद फिर आपने एक देखा इसमें एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल में, और इसको अपन बोलेंगे ट्रेड बिल। एक ही फर्क है एकोमोडेशन बिल में और ट्रेड बिल में, ये जो पहले नंबर का आइटम है मतलब ट्रेड ट्रांजेक्शन ये नहीं हुआ। अब ये ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं हुआ मतलब कि मान लो कि ये पार्टी है एक्स और वाई, तो ना तो एक्स को वाई से पैसे लेने का कोई राइट है ना वाई को पैसे देने का कोई ऑब्लिगेशन है, फिर भी उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया तो उसको बोलेंगे एकोमोडेशन बिल, मतलब उन्होंने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए बिल बनाया। तो ऐसा बिल कौन बनाएगा, एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड पे, बराबर, एक रिलेटिव अपने दूसरे रिलेटिव पे, जबकि ट्रेड बिल एक डेटर अपने क्रेडिटर, क्रेडिटर अपने डेटर पे बना रहा था, बराबर, एक क्रेडिटर अपने डेटर पे बना रहा था, पर ये कौन बनाएंगे, फ्रेंड लोग। तो एक्स और वाई फ्रेंड है, एक्स को पैसों की जरूरत है तो एक्स वाई से बिल एक्सेप्ट करा के ले सकता है, उसको डिस्काउंट करके पैसे अरेंज कर लेगा, जब ड्यू डेट आएगी तो एक्स वाई को पैसे देगा और वाई बिल को ऑनर करेगा। अगर वाई को भी पैसों की जरूरत है तो बिल ज्यादा अमाउंट का बना सकते हैं, डिस्काउंट करके जो पैसे आए उसमें से कुछ पैसे एक्स यूज करेगा, कुछ वो वाई को दे देगा। अब वाई को अगर वो अभी पैसे दे रहा है तो साथ में प्रपोर्चुनेट डिस्काउंट भी ट्रांसफर करेगा क्योंकि वो पैसे उतने पीरियड तक वाई यूज करने वाला है। ड्यू डेट पे बचे हुए पैसे एक्स वाई को देगा और वाई ने बिल को ऑनर करना चाहिए अपने खुद के पैसे मिला करके, समझ रहे। तो मान लो 15,000 का बिल बनाया था, वाई को 5,000 देने का है इंक्लूडिंग डिस्काउंट 5,000, मतलब अमाउंट कम होगा थोड़ा डिस्काउंट, यानी 10,000 के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है तो ड्यू डेट पे आप 10,000 दो, वो अपने 5 मिलाएगा और बैंक को पे करेगा। तीसरी सिचुएशन रहती है कि एक्स ने वाई पे बिल बनाया तो वाई ने भी एक बिल एक्स पे ड्रॉ कर दिया, तो दो दो बिल बन गए, बिल नंबर 1 बिल नंबर 2। एक्स अपना बिल डिस्काउंट करके अपने काम के पैसे अरेंज कर लेगा,
वाय अपना बिल डिस्काउंट करके अपने काम के पैसे अरेंज कर लेगा। अगर दोनों बिल इक्वल अमाउंट के हुए तो ड्यू डेट पे कोई पैसे का लेन देन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अनइक्वल अमाउंट के रहे तो जो भी डिफरेंस है, जिसको ज्यादा का बिल मिला था वो दूसरे को उतने पैसे पे कर देगा। बराबर, वो आपको अकाउंट देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमको पैसे लेना है या हमको पैसे देना है। समझ रहे, वो कोई याद करने की चीज नहीं थी। अकाउंट बनाओ, आपको कितने का बिल मिला तो आपने उसको क्रेडिट किया, आपने उसको बिल एक्सेप्ट करके दिया तो डेबिट किया। आप अकाउंट में देख लो, पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब पैसे लेना है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मतलब पैसे देना है, और पर्सनल अकाउंट जीरो होगा मतलब पैसे लेना देना नहीं है। तो ये लेन देन के बाद आप अपना वाला बिल पेबल ऑनर करो, वो अपना वाला बिल पेबल ऑनर करो। तो एकोमोडेशन बिल में और ट्रेड बिल में मेन फर्क है, पहले वाला ट्रांजेक्शन नहीं रहता है, पहले से कोई डेप नहीं रहता है। समझ गए, बाकी कोई फर्क नहीं होता है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन है, देखेंगे उसमें क्या है, लेकिन आज का पीरियड कंप्लीट हो गया तो कल हम पहले ये बिल ऑफ एक्शन के क्वेश्चन लेंगे। आपको कुछ पूछना रहा तो आप बताने का, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। इलेवन फोर्टी फाइव टाइम रहता है तो आपने 11:45 क्लास में अंदर आ जाने का, क्योंकि बाद में लेट आने वालों को फिर बैठने में तकलीफ होती है, इधर उधर जगह ढूंढना पड़ता है। तो 11:45 आपने रेडी हो जाने का, ठीक है।